बैक टू माई यूट्यूब चैनल काउंसलिंग विद आशीष। आज का टॉपिक है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज 2020। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इन द एंड ऑफ मार्च COVID-19 हमारे कंट्री में आया, जिसके वजह से हमारा मार्केटिंग जो है 85% टोटली वैनिश्ड हो चुका है। बहुत से सेक्टर्स को 100% डिस्ट्रक्शंस का सामना करना पड़ा है, जैसे कि टूरिज्म इंडस्ट्रीज हो गई, होटल इंडस्ट्रीज हो गई, कुछ इंडस्ट्रीज जो थोड़े बहुत वर्किंग कल्चर में हैं वो हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज और मेडिकल इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि यही हैं जो हमें इस आपदा से बचा सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे इस तरह की सिचुएशन में एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम और साथ ही साथ कैसे अपने बिजनेस को और बेटर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को अगर आप समझें तो मार्केटिंग है क्या, इट्स टोटली ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। तो आइए आपको मैं समझाता हूँ कि मैनेजमेंट की किस तरीके से आप अपने मार्केटिंग और स्ट्रैटेजीज को ज्यादा बेटर तरीके से आप संभाल सकते हैं। तो पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि किसी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को और बिजनेस को शुरू करने से पहले एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, डोंट स्टार्ट अ कॉपीकैट बिजनेस। नहीं समझे, कॉपीकैट बिजनेस का मतलब होता है कि जो बिजनेस आपके आसपास ऑलरेडी चल रहा हो उस बिजनेस को हम ना करें। हमारे फ्रेंड के पास कार की एजेंसी है, वी शुड गो फॉर द कार एजेंसीज। इससे ना आपका कुछ बेनिफिट होना है ना ही उनका, इससे सिर्फ और सिर्फ कस्टमर स्प्लिट होंगे, अलग से नहीं आएंगे। आपको ऐसा बिजनेस शुरू करना है जिससे कस्टमर आपके पास आए, न चाहते हुए भी आपकी जो मार्केटिंग है या जो आपका एक ब्रांड है वो एक मोनोपोली बन जाए। याद रखिएगा, मोनोपोली, व्हेनेवर यू स्टार्ट कॉपिंग वो पहले मोनोपोलिस्टिक होगा, मोनोपोलिस्टिक से परफेक्ट होगा, उसके बाद लोकल मार्केट हो जाएगा। तो कोशिश हमेशा कुछ नया करने के लिए, आप भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूं, पूरी मार्केट जान रही है कि बीते 5 से 6 सालों में बहुत से नए नए बिजनेस आए हैं। फेसबुक आया, सबको लगा फेसबुक जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ सके, नो डाउट। उसके बाद वीचैट आया, वीचैट के बाद व्हाट्सएप आया, और व्हाट्सएप की जो पॉपुलैरिटी है वो इस कदर से बढ़ी जिसके साथ फेसबुक की भी ना हो। आज अगर आप किसी 100 लोग को रैंडमली आप पिकअप कर लो, उन 100 में से 90 लोग ऐसे होंगे जो व्हाट्सएप फेसबुक पूरी तरीके से इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन 10 लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। रीजन इज दैट कि फेसबुक पे आप अनवांटेड चीजों को देखते हो, व्हाट्सएप ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप इज अ मीडियम दैट फटाक फटाक कहीं भी शेयर कर सकते हो कोई भी चीज, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, टैगिंग से लेकर बहुत सारी चीजें, ना अनवांटेड नोटिफिकेशंस आते हैं। आप बहुत से अच्छे तरीके से आप चीजों को मैनेज कर सकते हो। आपको भी पता है आजकल ऑफिशियल से लेकर अनऑफिशियल हर एक तरीके पे व्हाट्सएप जो है बेटर परफॉर्म कर रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स के लिए व्हाट्सएप बिजनेस आ चुका है। यू गेट व्हाट आई वांट टू से। आज हम डिस्कस करेंगे 7 स्ट्रेटजीज ऑफ द मार्केटिंग। जो पहली स्ट्रेटजीज होती है वो होती है नीच मार्केटिंग। नीच मार्केटिंग होती क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। नीच मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है जब आप कोई स्ट्रेटजीज या कोई प्रोडक्ट एक स्पेसिफाइड कस्टमर्स के लिए लेके आते हो, जिसे आप उस पर्टिकुलर कस्टमर तक डायरेक्टली रीच कर जाओगे। जैसे ही आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, फॉर एग्जांपल आप एक बिस्किट बनाते हो एंड दैट बिस्किट इज कॉस्टिंग ₹40 पर पैकेट, तो इट मींस कि ये बिस्किट जो है एक रिचर पर्सन ही ज्यादा बेटर तरीके से खरीद पाएगा एज कंपेरिजन टू पुअर पर्सन एंड द मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास वाली थोड़ा अपना बजट बैलेंस करके उस बिस्किट की एक बार टेस्टिंग करेगा। वैसे कोई बिस्किट आप पुअर पीपल क्लास के लिए या एकदम लोअर स्टैंडर्ड क्लास के लिए आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो उस केस में क्या है, पुअर इजिली पर बाय कर लेगा, मिडिल क्लास भी इजिली बाय कर लेगा, लेकिन जो रिचर क्लास है दे आर नॉट गोइंग टू बाय दैट। व्हाई, वो उनका स्टैंडर्ड डाउन कर रहा है। व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन द मिडिल स्टैंडर्ड पर्सन कि हम मिडिल क्लास के लिए बना रहे हैं, तो रिचर क्लास भी एक बार आ जाएगा, लेट्स टेस्ट इट, लुक अच्छा है, पैकेजिंग अच्छी है, वी शुड गो फॉर दैट।
और वही जो पुअर क्लास वाला है वो भी थोड़ा अपना बजट बढ़ा के एक बार उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। सेकेंड स्ट्रैटेजी जो हमारी आती है वो आती है ट्रेड सेल। ट्रेड सेल मीन्स व्हाट? आप देखते हो आपके आसपास मार्केटिंग लगती है, लोग अपने अपने स्टॉल्स लगाते हैं। बहुत लोग का कहना है एक लोकल लैंग्वेज में कि ये तो लो क्लास की मार्केटिंग है, स्टॉल लगाने से क्या होता है। नहीं, आप बिग बाजार जाते हो, बिग बाजार में भी देखियो डिपार्टमेंट्स लगे होते हैं। इस कंपनी के थोड़े जैकेट्स, थोड़े शर्ट्स इधर पे, इस कंपनी के थोड़े फूड ब्रांड्स इधर पे, सबको सबने अपना एक छोटा छोटा स्टॉल लगा के रखा है। वो एसी में लगा के रखे हैं तो आपको लगता है कि ये बिग बाजार है। तो वैसे अगर आप ट्रेड शो को एक बिग बाजार मान लो और उस छोटे छोटे स्टॉल्स को डिपार्टमेंट्स मान लो तो इट्स ऑल्सो लुक लाइक अ बिग बाजार। उससे क्या होता है, कस्टमर फोकस हो जाते हैं एक जगह पे, यार हमें ये चीज चाहिए, चलो वहां चलते हैं, देखते हैं क्या है बेनिफिट। तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद आपका आता है थर्ड, ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग इस समय इतना बूम पे है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इस COVID-19 में बहुत से लोगों का बिजनेस ठप हुआ तो बहुत से लोगों का बिजनेस टेक ऑफ हुआ। रीजन इज दैट दे आर फोकसिंग ऑन द ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग से फर्क ये पड़ता है कि जब वो ऑनलाइन मार्केटिंग पे फोकस करते हैं तो आप एक कस्टमर की नीड तो फुलफिल करते हो लेकिन साथ ही साथ आपके पास 10 कस्टमर्स और जुड़ जाते हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हो। वो आपको एक बेटर परफॉर्मेंस देते हैं, आपकी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी को बढ़ाते हैं। ऑनलाइन डिलीवरीज, इस COVID-19 में जब लोग सामान इकट्ठा करने में लगे थे तो बहुत से लोग लाइसेंसिंग और परमिशन में लगे हुए थे, और जब लॉकडाउन हो गया तो वो लोगों के पास परमिशन था, वो घर घर जाके कस्टमर्स को जोड़े हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? एप्पल जैसी कंपनी ने अपने स्टोर बंद कर लिए, सैमसंग जैसी कंपनी ने अपने स्टोर बंद कर लिए, लेकिन MI जैसी कंपनियां जो छोटे मोटे ब्रांड्स हैं जो इमर्ज कर रहे थे लेकिन इस COVID-19 से वो हार नहीं मानना चाहते थे, उन्होंने अपने छोटे छोटे जो शॉपकीपर्स हैं, डीलर्स हैं, उनको ऑफर दिया कि मैं आपको रेट डाउन करके दे रहा हूँ, आप कस्टमर तक जाओ, वो परमिशन लेके DM से या अधिकारियों से वो लोगों के घर तक डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड की उन्होंने। सेम ऐसे फूड इंडस्ट्रीज में स्विगी जोमैटो ने भी काम किया है, दे बूस्टअप देयर। उसके बाद आती है आपकी फ्री सैम्पलिंग मार्केटिंग। फ्री सैम्पलिंग मार्केटिंग को लोकल भाषा में कहा जाए तो एक लॉलीपॉप मार्केटिंग भी है। लॉलीपॉप मार्केटिंग कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। आप जब कभी स्टोर पे जाते हो या बाइक पे होते हो तो आप देखते हो बोर्डिंग के बाहर लिखा होता है 2 किलो चीनी पे सॉस का पैकेट फ्री, या आप ऐसी चीज बेचते हो जो आपके पास, आपने सपोज करो अपने कोई 2 प्रोडक्ट आपने बनाया, ठीक, एक प्रोडक्ट आपका खूब बिक रहा है, एक प्रोडक्ट जो नहीं बिक रहा है उसको आप क्या करो, फ्री सैम्पलिंग में करो, इसका रेट और उस हाई सेलर प्रोडक्ट का रेट एक में ही मर्ज कर दो। तो उसके साथ जब ये फ्री जाएगा तो जब आपका ये न बिकने वाला प्रोडक्ट बिकने वाले प्रोडक्ट के साथ कस्टमर्स के घर में जाएगा तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, कस्टमर को समझ में आएगा कि इस प्रोडक्ट की भी क्वालिटी है। तो धीरे धीरे न बिकने वाला प्रोडक्ट बिकने वाले प्रोडक्ट के साथ धीरे 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 बिकने लगेगा। उसके बाद आप अलग तरीके से बेच सकते हो। उसके बाद फिर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, अगर वो फेल हुआ फिर आप इनके साथ सैम्पलिंग कर दो, फिर वो भी धीरे 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 इनके साथ बिकने लगेगा। और उसके बाद कुछ दिन के बाद जब आपकी कंपनी और आपकी कंपनी का स्टैंडर्ड लोगों तक पहुंच जाएगा उस समय फिर क्या है, आप कुछ भी बेचोगे बिकेगा। देन फिफ्थ पॉइंट इज हिडन मार्केटिंग। हिडन मार्केटिंग एक बड़ा ही मजेदार के समय मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी। इस मार्केटिंग में हम सामने नहीं आते हैं, बैकग्राउंड तरीके से मार्केटिंग करते हैं। जैसे आपके अंडरकवर एजेंट्स होते हैं जो मार्केटिंग करते हैं, पीछे 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 लोगों के बारे में पता करते हैं, वैसे ही इस हिडन मार्केटिंग में क्या होता है, हम लोगों के पास, या इसको आपको मैं सिंपली समझने के लिए कह दूं, एक तरह से फॉर्म ऑफ R&D ही है। आप लोगों के बीच जाते हो एज अ कस्टमर बनके और उनसे पूछते हो यार क्या आजकल चल रहा है मार्केट में, तो इससे आप लोगों का एग्जैक्ट फीडबैक ले सकते हो और उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन पे काम कर सकते हो। धीरे धीरे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, हाँ सुने हैं ना इस कंपनी का ये प्रोडक्ट आने वाला है, उसे क्या पता कि आप उस कंपनी में क्या मायने रखते हो। धीरे धीरे आप अपनी ही एक अलग बैकग्राउंड मार्केटिंग बना रहे हो, एकाएक जब आप लॉन्च करोगे तो प्रोडक्ट्स कंपनी
के फटाफट बिकने लगेंगे, कस्टमर्स फटाफट आपसे प्रोडक्ट लेने लगेंगे। रीजन इज दैट, क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसा बैकग्राउंड तय करके रखा है, अफवाह। अफवाह एक जंगल की आग की तरह होती है, फैल गई तो रुकने से ना रुकेगी। वही हाल इस मार्केटिंग की होती है। अगर ये अफवाह आपकी फैल गई कि ये प्रोडक्ट अच्छा आने वाला है और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी अच्छी है, ब्रांडिंग अच्छी है, पैकेजिंग अच्छी है, तो ना मानो, ये सारी चीजें आपके प्रोडक्ट को नंबर वन बनाने से नहीं रोक सकती। देन सिक्स पॉइंट इज मैग्नेटिक मार्केट। मैग्नेट मार्केट इज व्हाट, कस्टमर्स को अपने पास बुलाना। जैसे कि हमारे कंट्री जो है लैंड ऑफ फेस्टिवल्स है, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, तो एक इंडियन कस्टमर्स की थिंकिंग है, फेस्टिवल है तो कुछ खरीदना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कस्टमर किस फेस्टिवल में क्या खरीदना चाहता है, और अगर आपका बिजनेस उसके उस परचेजिंग पावर और उस प्रोडक्ट रेंज में आता है तो आप कस्टमर्स को बुलाइए। जैसे दिवाली आ रही है, दिवाली में क्या होता है, लाइटिंग के, इलेक्ट्रॉनिक्स के और साफ सफाई के सामान बहुत तेजी से बिकते हैं, इस पे आप ऑफर डालिए। इस केस में ही एक टाइम होता है, बहुत लोग सोचते हैं कि इस समय हमें कमाना चाहिए। गलत, इस समय आपको कस्टमर को बुलाना चाहिए। रीजन इज दैट, इस समय इंडिया के 98% कस्टमर सड़क पे हैं। ये आप पे है कि आप उन्हें बुला लो या उनसे कमा लो। ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। आप दिवाली में अपने प्रॉफिट मार्जिन को 5% पर रखो, जिससे आपके एक्सपेंस और आपके घर खर्च, आपके बिजनेस के खर्चे चल सके। 5% मार्जिन पे आप कस्टमर को जोड़ लो। रीजन इज दैट, जब आप फेस्टिवल में सबके रेट हायर होते हैं, आपके रेट डाउन है और क्वालिटी सबसे हाई है, तो कस्टमर आपके साथ जुड़ जाएगा। दिवाली तो आप एक दिन मनवाओगे कस्टमर से, लेकिन वो कस्टमर आपके साथ जुड़ जाएंगे तो हर रात दिवाली आपकी होगी। सेम वही चीज होली है। आपका अगर कपड़ों का व्यापार है तो आप होली पे कपड़े के रेट डाउन करके कस्टमर्स को जोड़ लो। अब चाहे उस कस्टमर का एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, शादी हो, कोई अलग प्रोग्राम हो, वो कपड़ों के लिए कहीं नहीं जाएगा, उसके दिमाग में एक ही ब्रांड होगा। उसको गुची भी मिलेगा तो वो आप ही से लेगा, उसको अरमानी भी चाहिए तो वो आपसे ही कहेगा। तो सोचना आपको है कि आपको त्योहार एक दिन मनाना है या पूरे 365 दिन मनाना है। उसके बाद सबसे बात आती है लास्ट में, पैरेलल मार्केटिंग। पैरेलल मार्केटिंग का सेंस होता है जब आप कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी को अपने साथ में लेके चलती है। देखिए, वो जमाना गया जब हम अकेले चलते थे, आज जमाना है साथ मिलकर चलने का। मैकडी जैसी बड़ी कंपनी भी अपने बेवरेज के लिए कोका कोला को प्रमोट करती है, कोका कोला भी अपने एड में दिखाती है कि हमारे प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ जाते हैं। सेम वही चीज है कि आप जब अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारिए तो इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि मार्केट में कौन सी चीज कैसे चल रही है और हम कैसे किसी चीज को पैदल साथ में लेके चल सकते हैं। आपका कपड़ों का बिजनेस है, आपके फ्रेंड का इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, तो कैसे आप दूसरे दोनों लोग एक दूसरे को साथ ले सके। आप कूपन्स बनवाइए, 1000 की खरीद पे 10% ऑफ, वो 10% ऑफ का कूपन आप अपने कस्टमर को दीजिए, बोलिए कि आप इस स्टोर पे जाइएगा आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको 10% देना ही है, कूपन लेके जाएं तो लगेगा यार ये सही है। कपड़ा लिया, मशीन पे 10% ऑफ मिला, आपने 10,000 की वॉशिंग मशीन खरीदी, वहां से 10% का कूपन मिल गया, वो कूपन लाके आपने इस कपड़े की दुकान चलाया। तो समझ रहे हैं, पैसा अंदर ही अंदर रेगुलेट हो रहा है और कस्टमर इन्हीं दोनों शॉप में प्रॉपरली घूम रहे हैं। इन सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज समझना है, वो है मार्केट। मार्केट कैसा है? तो बचपन में हमने ड्राइंग बनाई थी, पेड़ पौधे, बादल, बारिश, सूरज, बिल्कुल उसी चीज को एक जगह पर सेट कर दीजिए तो मार्केटिंग समझने का बेस्ट ऑप्शन है। आइए मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक मार्केटिंग मॉडल है, इसको समझना बहुत इजी है। बचपन में हमने भी ड्राइंग बनाई है अपने घर के आसपास के पेड़ पौधों की। तो मार्केटिंग भी जस्ट लाइक एक ड्राइंग की तरह है, सिंपली समझना है। हमने यहाँ पे 3 कंपनी को लिया है, MI, सैमसंग एंड एप्पल। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये चीज़ें हैं तो हैं क्या।
जैसे आपका सन, सन इज वर्किंग लाइक अ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अब सन को हम कैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कह सकते हैं? सन ही है जो हमारे आसपास के पूरे वेदर्स को कैलकुलेट करता है और चेंज करता है, क्या है कैसा है। जैसे ये मार्केटिंग चेंजेस, विंड इज वर्क लाइक अ मार्केटिंग चेंजेस, क्लाउड, अनवांटेड फैक्टर्स। अब पेड़ हैं तो पेड़ से ये तीन चीजें कैसे काम करेंगी, तो आइए समझते हैं। जैसे MI है, MI के पास क्या है, अनगिनत प्रोडक्ट्स हैं। अम्ब्रेला भी बनाता है, फोन भी बनाता है, टीवी भी बनाता है, उसके बहुत सारे स्टफ्स ऐसे हैं जो अपकमिंग मार्केट में हमें दिखाई देंगे। फिर यहाँ हम बात करते हैं सैमसंग की। अब सैमसंग के पास क्या है, वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट हैं। AC के एक पूरी अलग सेगमेंट है, फोन्स के अलग सेगमेंट हैं, TV एंड फ्रिजेस के अलग सेगमेंट है, वॉशिंग मशीन का एक अलग सेगमेंट है। देन वी कम अपॉन द एप्पल। एप्पल के पास चार तरह के प्रोडक्ट्स हैं, आईफोन, आईपैड, आईपॉड एंड आईबॉक्स। अब बात करते हैं ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये काम करते हैं इस पेड़ के लिए एज देयर फ्रूट्स, और जो बर्ड्स हैं वो हमारे लिए डिनोट करते हैं लाइक अ कस्टमर। अब जैसे ये फ्लाइंग बर्ड्स हैं, दीज बर्ड्स आर टर्म्ड अंडर एज अ न्यू कस्टमर्स। ये क्या है हमारे लिए, न्यू कस्टमर्स हैं। अब ये न्यू कस्टमर्स किस कंपनी के पास जाना पसंद करेंगे, उनके पास जिनके पास सिर्फ चार तरह के प्रोडक्ट्स हैं, उनके पास जिनके वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं बट जल्दी नहीं मिल पाएंगे, या उनके पास जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हैं जिनकी सर्विस अच्छी है और बीते 200 सालों से वो आपके कंट्री में वेल स्टैब्लिश हैं, उनकी ब्रांडिंग अच्छी होती है, सर्विस सेंटर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अब यहाँ बात करते हैं हम इस बर्ड की। ये बर्ड क्या है, बैठा हुआ है। दिस बर्ड टर्म्ड अंडर एज अ रेगुलर कस्टमर। रेगुलर कस्टमर मीन्स जो हमेशा आते रहता है कुछ ना कुछ लेने के लिए। AC चाहिए, AC पे आ गया, फ्रिज चाहिए, फ्रिज के पास चला गया, वॉशिंग मशीन चाहिए, वॉशिंग मशीन, फोन चाहिए फोन। इट मीन्स वॉट एवर ही वॉन्ट्स ही कम टू वेरियस थिंग्स। दिस बर्ड्स टर्म्ड अंडर एज अ लॉयल कस्टमर। इसने देख रहे हैं, इसने यहाँ पे घोंसला भी बना के रखा हुआ है। इट मीन्स कि इसे कुछ भी हो जाए, इसे फोन लेना हो ये 2 घंटा 3 घंटा 2 साल वेट कर लेगा, बट ये फोन जब भी लेगा वो सैमसंग से ही लेगा। दिस इज कॉल्ड द कस्टमर बाय बैक गारंटी। आप प्रोडक्ट्स और सर्विस ऐसे दीजिए कस्टमर्स को कि वो आपको छोड़ के कहीं भी ना जाएं। एप्पल है, इनका एक स्टैंडर्ड ही अलग है, इन्हें बहुत ज्यादा भीड़ भड़कने की जरूरत नहीं है। जितना सैमसंग अपने बाकी प्रोडक्ट के रेंजेस से इनकम जनरेट करता है उतने ये अपने सिर्फ इन चार प्रोडक्ट से। रीजन इज दैट इन्होंने अपने आप को फोकस ही किया है सिर्फ इन चार प्रोडक्ट्स पे। इनकी R&D टीम, बाकी सारी टीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चार प्रोडक्ट्स पे फोकस करती है। क्वालिटी मैनेजमेंट से लेकर R&D से लेकर HR तक हर एक चीज इसी पे काम करती है। अब बात करते हैं कि ये कैसे मार्केट चेंजेस, तेज हवा चली। अब ये छोटा पेड़ है, कोई गारंटी नहीं ये पेड़ टिकेगा कि नहीं टिकेगा। एज इट वॉज अ ब्रांड ऑफ चाइना, ब्रांडिंग हमारे यहाँ होती है मेड इन इंडिया बट वी नो दिस कंपनी इज ओरिजिन फ्रॉम चाइना। जो स्थिति चल रही है ये कभी भी जा सकती है, तो जिनके पास भी इनके प्रोडक्ट्स हैं दे आर अंडर अ बिग ट्रबल। तो अब जैसे ही ये मार्केटिंग चेंजेस की हवा चलेगी खूब जोरदार, सैमसंग टिक जाएगा, एप्पल टिक जाएगा, बट चांसेस इज दैट MI विल बी वैनिश्ड। ये अपना अस्तित्व ही खो देगा पूरी तरीके से। अब हियर द मार्केटिंग इज अबाउट टू थिंग्स, सैमसंग एंड एप्पल। अब कस्टमर के पास चॉइस सिर्फ दो चीज की ही बचती है कि हमें किसके पास जाना है, एप्पल के पास या सैमसंग के पास। अब हम अपने इस मार्केटिंग चेंजेस वाले पैटर्न को हटा देते हैं तो क्या बचता हमारे पास, क्लाउड्स, अनवांटेड फैक्टर। यानी सीधी सी बात है कि क्लाउड्स हैं तो तेज वर्षा भी होगी। अब तेज वर्षा में सीधी सी बात आप खुद समझ सकते हैं कि ये एक बड़ा पेड़ है और एक छोटा पेड़ है, तो बड़े पेड़ के पास इस चीज को संभालने की क्षमता ज्यादा है। रीजन इज दैट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वैरायटी ऑफ कस्टमर्स, लेकिन इनके पास नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आप इस बारिश का इफेक्ट इस एप्पल कंपनी पे बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि कस्टमर के पास सिर्फ एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और जिसकी सेगमेंट क्या है, फोन्स एंड लैपटॉप्स, नथिंग मोर देन दैट।
तो कस्टमर यहाँ क्यों जाएगा? वो सीधी सी बात है कि वो छाया लेने भी इस चीज से बचने के लिए इसी पेड़ के पास पॉइंट आउट करेगा। दैट्स द रीजन दैट सैमसंग इज हैविंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कस्टमर बैकग्राउंड, और जिस वजह से वो जो चीज भी लॉन्च करता है वो हाथों हाथ बिक जाते हैं। आपको कभी सुनने में जल्दी नहीं है कि सैमसंग का कोई प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया है। यहाँ नहीं पसंद आएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, अरे कहीं ना कहीं तो आएगा। दैट्स द मैटर। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जब भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को परफॉर्म करें तो हमेशा ये ध्यान में रखें कि आप क्या बेचना चाहते हैं वो मायने नहीं रखता, कस्टमर क्या खरीदना चाहता है वो मायने रखता है। आप बेचो जो भी आप बना के बेचना चाहते हो, बट मेक श्योर दैट द कस्टमर इज हैविंग अ कीन इंटरेस्ट इन दिस थिंग्स, और ये सारी चीजें आपके सामने कभी ना कभी बिल्कुल आएंगी।